हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, आप एक्स आ रहा है आपकी लाइफ में या नेक्स्ट आ रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है गाइस। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, मून, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन, एस ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ वैंड्स, हैरोफाइंड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, कौन आ रहा है गाइस, एक्स और नेक्स्ट। गाइस, ये कोई 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 भी नेक्स्ट तो नहीं दिख रहा मुझे, बताती हूँ कैसे कार्ड्स देख के। ठीक है, कोई नेक्स्ट पर्सन नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में। अगर कोई आ रहा है तो वो आपके एक्स ही हैं। ये वही पर्सन है गाइस जो हमेशा ही दो नावों पर सवार रहा है आपके साथ, जिसने काफी सारा जगल किया है, काफी जगलिंग सिचुएशन में रहे हैं आपके पार्टनर्स जो भी रहे हैं पास्ट में। एक्स हैं ये, आपको बेटर पता होगा कौन है ये। ठीक है, इन्होंने दो सिचुएशंस में काफी ज्यादा जगल किया है, काफी सोच विचार किया है, काफी परेशान हुए हैं। इनके पास सेकंड ऑप्शन था, आपके अलावा भी कोई चीज थी जिनके बारे में इन्होंने कंटिन्यूसली सोचा है। ठीक है, ये वही पर्सन है, और ये वही पर्सन है जो रातों में सोए नहीं है, ना अभी सो रहे हैं। ठीक है, अभी भी राइट नाउ ये जगल ही कर रहे हैं और ये आज भी रातों को सोते नहीं हैं। ठीक है, ये जो भी आपके एक्स हैं, ये एक्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आया है मून, ये वो पर्सन की फीलिंग्स है जिसने आपसे बहुत सारी बातों को छुपाया है, जिसने आपको अपनी सारी बातें नहीं बताई हैं, आपकी बातें इन्होंने अंदर तक की सारी निकलवाई हैं। आपने खुद दिल खोल कर इनको सब कुछ बताया है कि आपके मन में इनके लिए क्या क्या और क्या है, लेकिन इन्होंने आपसे हमेशा छुपाया है कि इनके मन में क्या है। इनफैक्ट इन्होंने आपसे ये तक छुपाया कि इनके आपके बिना ये बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत फियर की एनर्जी में रहते हैं, इनको ऐसा लगता है इनका सपोर्ट चला गया। ठीक है, इतना ज्यादा ये अकेला फील करते हैं, इसलिए ये चीज भी इन्होंने आपसे कहीं ना कहीं छुपाई है। ठीक है गाइस, ये चीज भी आपके पार्टनर्स ने कहीं ना कहीं आपसे छुपाई है कि आपके बिना ये काफी अकेला फील करते हैं और काफी डर की एनर्जी में रहते हैं, ये जो भी आपके एक्स हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइस, आपके साथ इस पार्टनर का अनकंडीशनल लव है और ये आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करने यहाँ पर आ रहे हैं। एस ऑफ कप दिखा रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो होगी गाइस, इसी पार्टनर के साथ होगी और ये कनेक्शन शादी तक भी जाएगा। तो जो भी पार्टनर्स आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं वो आपके नेक्स्ट तो बिल्कुल नहीं है, आपके एक्स हैं। ठीक है, ये वही पर्सन है जो आपके साथ धोखाधड़ी चीटिंग करके भाग गए थे। देखिए गाइस, ये कैसे भाग रहा है इंसान। ठीक है, इतना भागे ये इंसान आपसे, आपके साथ चीटिंग करके भाग गए, आपको धोखा देकर भाग गए।
लेकिन आपको धोखा देने के बाद भी इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये लेकिन गाइस कुछ भी क्यों ना हो, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये भागे भले ही सिचुएशन कोई सी सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से काट रहे हैं, आप अपना प्यार का कप लेकर इस इंसान के लिए बैठे हुए हो और ये आप ही को पीठ दिखाकर भाग रहा है, ठीक है। सो ये वही पर्सन है गाइस, ये वही पर्सन है जो आपसे भाग रहा है, ये वही पर्सन है जो भाग रहा है आपसे, यही आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, ठीक है। हम यही देख रहे थे कि एक्स आ रहे के नेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थ्री ऑफ वेंट्स है, तो काफी ज्यादा लंबे इंतजार में आप दिखाई देते हो मुझे, और आपके पार्टनर्स को भी इंतजार है, ठीक है। ये भले ही अभी रनिंग एनर्जी में है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो भी आपके एक्स हैं, लेकिन आपके पास आएंगे यही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि आपके पास एक्स एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, कौन आ रहा है आपकी तरफ, तो यही आएंगे आपके पर्सन जो अभी आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है गाइज, आप लोग कमेंट पे लिख जाते हो कि हम क्यों लें उस पर्सन को जो हमसे चीट करके चला गया, तो गाइज ये आपकी मर्जी है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आप एक बार इस सिचुएशन में जाकर जरूर पहुंचते हो जहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको किसको सेलेक्ट करना है। जब आप खुद पर इतना काम कर लेते हो, खुद को इस लायक बना लेते हो, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं फिर कि आपको नए को चुनना है, पुराने को चुनना है, किसको चुनना है, ठीक है। उस वक्त चॉइस आपके हाथ में होती है, तो आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ और जिनके लिए ये एनर्जीज निकल कर आती है, सो कमेंट में ऐसा मत लिखा कीजिए कि मैम हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसको वापस नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। कोई तो ये भी लिख रहा था कि मैम आप ऐसा क्यों बोलती है कि वो वापस आएगा, कौन ही ऐसे पर्सन को वापस लेगा। भाई बहुत लोग हैं इस कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में बहुत सारी हस्बैंड वाइफ्स हैं, ठीक है, जो चाहती हैं कि उनका लाइफ जो भी उनका कनेक्शन है, उनका शादी है, वो सही हो जाए, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आते हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि आपकी लाइफ में आपका एक्स रिटर्न आ रहा है। अब ये आपके ऊपर ना गाइस कि आपको लेना है अपनी लाइफ में उसको या नहीं लेना है, ठीक है। उसमें न डिवाइन का कॉल है, न मेरा कॉल है, न किसी और का कॉल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉल है, ठीक है। जब आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो, आप इतने रोए हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे डिवाइन के द्वारा, उस समय आप डिसाइड कर लीजिएगा। उस समय आपके एक्स भी सामने खड़े होंगे, कोई न्यू पर्सन भी सामने खड़ा होगा, उस समय आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ खुद पर इतना काम कर लो कि एक टाइम आप अभी आप ऑप्शन बने हो, एक टाइम आप ऑप्शंस को बना पाओ, ठीक है। सो जिसको भी मेरी ये बात पसंद आई हो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत एग्री करती हूँ कि खुद पर ही काम कर सकते हैं, खुद से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और खुद की खुशियों का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, ठीक है। सो ये वही पर्सन है गाइस जिनका आप वेट कर रहे हो। उसके अलावा ये वही पर्सन है जिनसे आप इतना प्यार करते हो, जिनको आप यहाँ अपना प्यार का कप ऑफर कर रहे हो, यहाँ पर ऑफर लेकर बैठे हुए। ये पास्ट मेमोरी का कार्ड होता है, जिसके साथ आप अच्छा खासा कनेक्शन और टाइम स्पेंड कर चुके हो। ये वही पर्सन है, पास्ट लव को दिखाता है ये। सो एक्स ही हैं ये, कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर जो भी हैं ये एक्स हैं, ये कोई नेक्स्ट नहीं है आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। एज ऑफ वेंट दिखा रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे राइट नाउ, तो ये आपको काफी ज्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको छुप छुप के इतना ज्यादा देखते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी रखने की ये कोशिश करते हैं। देखिए गाइस कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं, और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये कोई नेक्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर्स को अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, टू ऑफ सोर्ड्स भी आया, जो क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स को अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्लो हैं गाइस आपकी तरफ आने के लिए, अभी ये स्लो हैं, इतने जल्दी ये मूवमेंट लेके आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो अभी कार्ड्स निकल कर आए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आते आते भी आपके पार्टनर स्लो हैं, मतलब एक्स भी आपको बड़ा ही स्लो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये तभी आएंगे जब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये हैं बहुत क्लियर कट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन पहले ट्रांसफॉर्म होगा पूरी तरीके से फिर आएगा, ठीक है। सो इस समय अगर आपको चाहते हो, लेकिन आपकी गाइस जिससे भी आप प्यार करते हो ना, जिससे भी आप अनकंडीशनल लव करते हो, उसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। जिसके साथ आप अनकंडीशनल लव करते हो, अगर आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लौटने तक किसी और से प्यार हो गया तो ये फिर उसके लिए मान लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। सो आप तो बस ये सोचकर डिवाइन को सरेंडर कर खुद पर काम कीजिए कि मुझे भरोसा है, ठीक है। जिस दिन आप ऑप्शंस आपके हाथ में हो, आप देख लीजिएगा कि आपको किसको सेलेक्ट करना है, ठीक है गाइस। परेशान मत होइए, सबके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक बार ऑप्शन बनता है, दूसरी बार ऑप्शन बनाता है।
ठीक है, एग्री करते हो इस बात से कि नहीं? ओके, और देखते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, सेक्रल चक्रा, मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन, क्राउन चक्रा, शैडो, न्यू बिगनिंग, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मास्टर नंबर 22, बैलेंस, एंड अवेयरनेस। चलिए यहां से अगेन है लव बिगिन। सो लाइक गाइस, न्यू बिगनिंग तो होगी और नीचे से फिर से आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर से हेरोफेंट का कार्ड भी है नीचे, यानी कि ये जो कार्ड्स रिपीट हुए हैं इसका मतलब है कि ये होगा। चलिए बताती हूँ मैं, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं बॉटम से। देखिए अभी क्या है सिचुएशन कि आप दोनों को जरूरत है अपने अपने मटेरियल हार्वेस्ट यानी कि अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों पे काम करने की। वो जो पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है राइट नाउ, वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनफ चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आज के टाइम में जरूरत है। प्लस आप दोनों ही इस समय खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और खास तौर से वो एक्स जो भी आपका है, ठीक है, जो भी एक्स पार्टनर है आपके, उनकी शैडो साइड पर इस टाइम काम चल रहा है। वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही कमियों से रूबरू हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट हैं इस समय चीजों के साथ, लेकिन आने वाले टाइम में आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। सेक्रल चक्रा हील हो रहा है इनका, सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है। आपके साथ आने वाले टाइम में ये पार्टनरशिप भी करेंगे, ठीक है। अभी इनकी लाइफ में काफी जगल सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन बैलेंस होगी गाइस। ये काफी लंबे टाइम तक इसी हालत में नहीं रहेंगे, सिचुएशन बैलेंस होगी, ठीक है, बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में। उसके बाद क्राउन चक्रा दिखा रहा है कि इनका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर, आपके एक्स की फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आएंगी कि उनकी लाइफ में इस टाइम है क्या। यहां से है कि इसी पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। लव बिगिंस का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इसी के साथ आपकी शादी होगी। पेशेंस रखिए, इस कनेक्शन में पूरी होप है। ये है गाइस इस कनेक्शन का फ्यूचर, ये है गाइस इस कनेक्शन का फ्यूचर। इस कनेक्शन में आपकी न्यू बिगनिंग होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा निकल कर आया है, अनकंडीशनल लव की बिगनिंग होगी। पेशेंस रखिए, राइट नाउ आपके पार्टनर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। हेरोफेंट का कार्ड आया, लव मैरिज होगी, पूरी होप है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो ये जो आई है ना रीडिंग, वो आपके एक्स के साथ आई है और एक्स के साथ टोटल दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। अब अगर आप चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा उस टाइम। अगर आपके पास चॉइस हो, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती है, राइट नाउ की एनर्जीज आपके एक्स की यही है और आपकी भी यही है। आप लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हो उसी एक्स को, ठीक है। तो ये फीलिंग्स आपकी निकल कर आई हैं। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे और जिनके लिए भी ये मैसेजेस हों, जो भी चाहते हों, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल रीडिंग है ये, ठीक है, अगर आप अपने एक्स को चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ मैसेजेस लेंगे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को स्टॉप, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अ टाइम फॉर हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, शो द वर्ल्ड रियल यू, योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड,
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, योर यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. You and your loved ones are safe. Don't let past hold you back. Luck is on your side. ठीक है, यहां से कार्ड्स आए, इमोशंस आर रनिंग हाई. सो आप इस समय इमोशंस को कंट्रोल करिए. अगर आपको काफी इमोशनल फील होता है, रोना आता है, आप बार बार रह रहे के चीजों को याद करते हो और तकलीफ को फेस करते हो, सो आपसे कहा जा रहा है इमोशंस पर कंट्रोल करिए. ये आपकी हीलिंग का समय है, प्रॉपर हीलिंग लीजिए. ठीक है, हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर कोई हीलिंग प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा रियल वर्ल्ड यानी कि दुनिया को दिखाइए आपकी रियलिटी क्या है, आप रियलिटी में किस तरह के पर्सन हैं और आपकी वर्थ क्या है. ठीक है, उसके बाद आपके टेस्ट इस समय डिवाइन के द्वारा चल रहे हैं. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को टोटल रिलीज कर दीजिए अपनी लाइफ से. नेगेटिविटी के लिए कोई स्पेस अपनी लाइफ में मत रखिए, ये जरूरत ही नहीं है आपको नेगेटिविटी को रखने की. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सो एनर्जीज जो हैं आपकी लाइफ में वो फ्लक्चुएट होती हैं आपकी, सो इस समय आपको जरूरत है बैलेंस बनाने की. आपका जो भी हार्डवर्क है डिवाइन कह रहे हैं वो पे होगा आने वाले टाइम में, आपका हार्डवर्क पे होगा. सो अगर आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं सो आप मेहनत करते रहिए, उस चीज में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सो आप अपना फोकस बना के रखिए. आप और आपका प्यार सेफ है, जिनसे भी आप प्यार करते हैं. लक आपके फेवर में है. ठीक है, पास्ट को भूल जाइए, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ पास्ट को याद करके परेशान मत होइए. इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा. जब डिवाइन प्रेजेंट है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप डिवाइन को फेथ करते हैं, डिवाइन पर भरोसा रखते हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से कमेंट में लिख सकते हो. और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये रीडिंग मैरिड के लिए भी होती है. ठीक है, सो अगर आप लोग मैरिड हो तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी. ठीक है, मत लिखा कीजिए कि ये मैरिड के लिए रीडिंग करिए, ये सारी रीडिंग्स मैरिड के लिए भी हैं. अगर मैंने ये रीडिंग की है एक्स और नेक्स्ट, तो ठीक है, तो आप अगर चाहते हो अपने पार्टनर्स के साथ डायवोर्स लेना या फिर इस तरीके की चीजें, तो डेफिनेटली अलग बात है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी हस्बैंड है, वही आपकी लाइफ में अगर अभी आपसे दूर है और वापस आ जाए, तो क्यों नहीं करेगी गाइस ये रीडिंग आपसे मैच. डेफिनेटली करेगी. हम जहां बोल रहे हैं हेरोफ्रेंड की शादी हो जाएगी आपकी इस पार्टनर के साथ, वहां पर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जिससे आपकी शादी होगी उसके साथ आपका कनेक्शन, शादी आपकी बेहतर हो जाएगी. ठीक है, सो आप थोड़ा सा समझकर रीडिंग को देखा करिए. ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज.